हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्यूटर। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो होगा पिछले 6 महीने का, जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक का। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कंबाइंड एग्रीकल्चर एग्जाम हो गया या फिर हमारा हो गया IBPS AFO का एग्जाम। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्प्रिंट्स, पहली न्यूज है, वेयर वाज द 5th हनी बी डे सेलिब्रेटेड विद द थीम बी एंड हनी ट्रायल। पांचवा हनी बी डे कहां पर सेलिब्रेट किया गया जिसकी थीम बी एंड हनी ट्रायल थी? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड में पांचवा हनी बी डे सेलिब्रेट किया गया जिसकी थीम बी एंड हनी ट्रायल थी। स्प्रिंट्स, वी से रिलेटेड एक दिन और सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वी डे। वर्ल्ड वी डे हर साल हम 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये दिन आपको याद रखना है। और 2024 में इस दिन के लिए थीम रखी गई थी वी इंगेज्ड विद यूथ। ठीक है, इस थीम का जो उद्देश्य था वो ये था कि हाईलाइट किया जाए जो इन्वॉल्वमेंट है यंग की हनी बी कीपिंग से, जिसमें कि पॉलिनेटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को समझा जा सके। ठीक है, विच कंट्री रिसीव्ड ए $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए किस देश को भारत के द्वारा $250 मिलियन दिए गए? युगांडा, इथोपिया, केन्या, साउथ अफ्रीका। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केन्या। केन्या देश को भारत के द्वारा $250 मिलियन दिया गया जिससे कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन ला सके। इसमें होगा क्या कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी केन्या में, केन्या के एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विपमेंट्स को बढ़ावा मिले और टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिल सके। इससे जो उनकी फूड क्राइसिस है वो कम होगी और जो उनकी फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी सरपासिंग ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को पीछे छोड़ते हुए विश्व की कौन सी ऐसी कंपनी है जो तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बनी है? जापान टोबैको INC, चाइना नेशनल टोबैको, रेनॉल्ड्स अमेरिकन या इंडियन टोबैको कंपनी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन टोबैको कंपनी जो है वो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बन चुकी है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको BAT को सरपास करते हुए। विच मिनिस्ट्री अनवील्ड द पार्ट मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जूट फार्मर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइज MSP एंड एग्रोनॉमी। किस मंत्रालय के द्वारा अनवील किया गया या फिर अनाउंस किया गया पार्ट मित्रो एप्लीकेशन? पार्ट मित्रो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो फार्मर्स के लिए अनाउंस किया गया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाएगा। ये बताना है किस मंत्रालय के द्वारा पार्ट मित्रो एप्लीकेशन को अनाउंस किया गया है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री या फिर इंडियन फार्मर एसोसिएशन? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा पार्ट मित्रो एप्लीकेशन को अनाउंस किया गया है, ये आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर वाज द इलेक्ट्रॉनिक सॉयल डेवलप्ड टू एक्सेलरेट प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक स्पेस? हाइड्रोपोनिक स्पेस के अंतर्गत जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए किस देश के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सॉयल को डेवलप किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन देश के द्वारा ई सॉयल को डेवलप किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सॉयल को डेवलप किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सॉयल के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये है क्या। ये एक कंपोजिशन है सेलुलोज का, बायोपॉलीमर्स का और पेडोट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये एक कंपोनेंट है सेलुलोज का, बायोपॉलीमर्स का और पेडोट का। सेलुलोज बायोपॉलीमर्स आप सब जानते हैं, पेडोट क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। पेडोट का फुल फॉर्म होता है पॉली 3,4 एथिलीन डाई ऑक्सी थायोफेन। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड को मिलाकर तैयार होती है ई सॉयल। अब ई सॉयल काम कैसे करेगी ये हम आपको बता दें कि ये जो पहले हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू उगाते थे प्लांट्स को, उसमें क्या होता था कि एक वाटर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है। सॉयललेस कंडीशन में वाटर सॉल्यूशन को तैयार करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें प्लांट को ग्रो करते हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसी सॉल्यूशन में हम ई सॉयल को ऐड करेंगे। ई सॉयल को ऐड करने के बाद इसमें एक लो इलेक्ट्रिकल जो है करंट पास कराया जाएगा। इस करंट के पास होते ही पहले प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल होती थी,
लेकिन जब ये करंट पास होगा, ई सॉयल ऐड होगी, तो ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, 50% एक्सेलरेट कर देगा, जिससे कि प्लांट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जल्दी प्रोडक्टिविटी कर पाएगा और हम ज़्यादा फसल क्या करेंगे, कम समय में तैयार कर पाएंगे। Which two companies have partnered with ITC to help Indian tobacco farmers combat climate-related challenges? क्लाइमेट की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं, ये भारत के जो तंबाकू किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसी के साथ इस परेशानी को दूर करने के लिए ITC इंडियन टोबैको कंपनी ने दो विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। तो उन दो कंपनियों का नाम बताना है आपको। कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट। माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ ITC ने पार्टनरशिप करके जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेज हैं टोबैको फार्मर्स के लिए, उसमें टोबैको फार्मर्स की ये हेल्प करेंगे। Who has recently been appointed as the new president of All India Rubber Industries Association, AIRIA के नए प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रमेश केजरीवाल, दूसरा ऑप्शन है शशि सिंह, तीसरा अमित शर्मा और चौथा मीरा पटेल। सही ऑप्शन है शशि सिंह। शशि सिंह जो है वो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन की नई प्रेसिडेंट है। इनका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Which state secured geographical indication tag for products like honey, rice, tangel sari in the National GI Drive Mission? National GI Drive Mission के तहत किस राज्य को honey यानी कि शहद, rice और tangel sari के लिए GI tag दिया गया है? तो राज्य का नाम आपको बताना है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर केरला। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राज्य को हनी राइस और टंगील साड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया है और ये नेशनल जीआई ड्राइव मिशन के तहत दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्री? शुगर इंडस्ट्री में बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? राधिका गुप्ता, दीपा भंडारी, स्नेहा शर्मा या फिर अंजलि देशमुख। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दीपा भंडारी। दीपा भंडारे भारत की पहली महिला हैं शुगर इंडस्ट्री में जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर का अवार्ड दिया गया है। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे हम आपको डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल को। इन विच स्टेट इज द पारादीप फिशिंग हार्बर सिचुएटेड? पारादीप फिशिंग हार्बर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरला। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में पारादीप फिशिंग हार्बर स्थित है। स्टूडेंट्स, पारादीप फिशिंग हार्बर इस समय न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि इस बंदरगाह का जो है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा। आधुनिकीकरण में होगा क्या कि जो पारादीप बंदरगाह है उसका, उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मछली प्रबंधन है, फिशिंग मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत मशीनीकरण का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी हमने आपको बताया, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में कहाँ पर है ये? महानदी और बंगाल की जो खाड़ी है उसका जो संगम होता है उस जगह पर पारादीप बंदरगाह सिचुएटेड है। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आधुनिकीकरण किया जाएगा पारादीप बंदरगाह का, वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा और ये आधुनिकीकरण संपन्न होगा 18 महीने के अंदर। Which country is set to become the world's largest producer of lentil during the 2023-24 crop year? 2023-24 फसल वर्ष के दौरान विश्व में सबसे ज़्यादा मसूर किस देश के द्वारा उगाया गया, सबसे ज़्यादा मसूर किस देश के द्वारा पैदा किया गया? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा या फिर इंडिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। भारत के द्वारा 2023-24 फसल वर्ष में सबसे ज़्यादा मसूर का उत्पादन किया गया। मसूर एक रबी क्रॉप है, ठीक है, इसका कुल है फवेसी और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेंस एस्कुलेंटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो पर 100 ग्राम कितना न्यूट्रिशन होता है, कैलरी की बात करें तो ये 350 किलो कैलरी पाया जाता है 100 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है, ठीक है, सॉरी 60 ग्राम पाया जाता है, परसेंट नहीं, 60 ग्राम। और बात करें वसा की तो वसा इसमें 1 ग्राम पाया जाता है, प्रोटीन इसमें 26 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 कितना पाया जाता है, ये होता है 0.87 ग्राम, ये आप याद रखेंगे।
Which state had recently obtained geographical indication tag for its indigenous variety updates known as Kutchi Kharek? Kutchi Kharek नाम की देसी किस्म है खजूर की, जिसको GI टैग दिया गया है। और ये GI टैग किस राज्य को दिया गया है ये आपको बताना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक देसी खजूर उगाया जाता है जिसका नाम है कच्छी खारिक, ठीक है, इसी GI टैग दिया गया है। स्टूडेंट्स पहले जान लेते हैं GI टैग के फायदे क्या होते हैं। GI टैग का फायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया, फिर उस प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से। प्रमोशन होने के बाद जो है उस प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल उसको ग्रो करता है या फिर जो भी किसान उसको ग्रो करते हैं उनकी इनकम में इजाफा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। हाँ, कच्छी खारेक के बारे में ये बात लिखी गई है कि ये जो खजूर है ये लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व से ही कच्छ जिले में उगाया जा रहा है। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। Which country had recently secured the position of first vice chair in FAO-CFI subcommittee on fisheries management? हाल ही में किस देश ने मत्स्य प्रबंधन पर FAO-CFI उप समिति में पहले उपाध्यक्ष का पद हासिल किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने। भारत ने 57 साल बाद पहली बार फर्स्ट वाइस चेयर का जो पद है FAO-CFI का वो प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको और दे देते हैं कि COFI है क्या, ठीक है, कमेटी ऑन फिशरीज इसका फुल फॉर्म है। और ये जो बैठक थी ये थी 36वीं बैठक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 36वीं बैठक थी। हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये है रोम, इटली में। विच फ्रूट होल्ड्स द टाइटल ऑफ द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड एज द आइज ऑफ जनवरी 2024। जनवरी 2024 तक दुनिया के सबसे बड़े फल का खिताब किस फल के पास है? वाटरमेलन, ड्यूरिन, पोमेलो, जैकफ्रूट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जैकफ्रूट, ठीक है। जैकफ्रूट के पास दुनिया का सबसे बड़ा ट्री बॉर्न फ्रूट होने का खिताब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्री बॉर्न फ्रूट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जैकफ्रूट, ठीक है। और दूसरी चीज, ये ओरिजिनेटेड है इंडिया, और हाँ, ये ग्रो कहाँ किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन रिसेंटली हेड? हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य के कोटेश्वर जिले में, कोटेश्वर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में सी वीड को ग्रो किया जाए, ठीक है। What is the retail price of Bharat rice per kilogram? Bharat rice का retail price क्या है प्रति किलोग्राम की दर से? 25, 29, 32 या फिर 35 रुपए प्रति किलोग्राम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 29 रुपए प्रति किलोग्राम जो retail price है Bharat rice का वो है। अच्छा, ये important क्यों है? ये question important इसलिए है क्योंकि government of India ने एक मुहिम start की है जिसमें ये उद्देश्य रखा गया है कि जो market price है rice की उसको stable किया जाए। तो उसने भारत राइस के नाम से जो एक वैरायटी है उसका रेट जो है 29 रुपए पर केजी ये स्टेबलाइज किया है, यानी कि इसको स्थिर रखा है, जिससे कि जो किसान है या फिर जो भी मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोग हैं वो उनके लिए जो अफोर्डेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, ठीक है। व्हेन द वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली? हर वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 15 मार्च, 10 फरवरी या फिर 5 मई को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हर साल हम 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्यों है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्यों है, ये सारी बातें जानेंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि जो पल्सेज हैं वो हमारी फूड सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशन लेवल को किस तरीके से बढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर हम सॉयल हेल्थ या फिर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सॉयल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आप सब जानते हैं कि पल्सेस के थ्रू होता है,
और ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से अगर प्रोटीन की प्राप्ति हमें पल्सेस के थ्रू होती है ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आप याद रखेंगे कि हम हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द ग्रो इनिशिएटिव फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एम्ड एट रिविटलाइजिंग इंडियाज वेस्ट लैंड, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस संगठन ने भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी विकास के लिए ग्रो पहल का अनावरण किया है। संगठन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने एक ऐसी पहल शुरू करी है जिसका नाम है ग्रो। उसमें जो बंजर भूमि है उनको पुनर्जीवित करना, रिविटलाइज करना और उस पर एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि वानिकी का विकास करना, ये उद्देश्य रखा गया है कि जो इंडिया की वेस्ट लैंड है उन पर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किस तरीके से एग्रोफॉरेस्ट्री को ग्रो किया जाए, ये पहल शुरू करी है नीति आयोग ने, ठीक है। विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड काजी नेमू एज इट्स स्टेट फ्रूट, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू को अपना राज्य फल घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजी नेमू को आधिकारिक रूप से स्टेट फ्रूट के रूप में किस राज्य ने डिक्लेयर किया है, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आसाम। आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि जो काजी नेमू है वो एक यूनिक वेराइटी है लेमन की और उसको ये अब अपना स्टेट फ्रूट मानेंगे, ठीक है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द वन मित्र स्कीम टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन के लिए वन मित्र नाम की योजना की शुरुआत की है, ठीक है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा राज्य सरकार ने वन मित्र नाम की एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि जो राज्य के अंदर वृक्षारोपण की गतिविधियां हैं उनको बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओयू बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड ओएनडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और ओएनडीसी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, उसका उद्देश्य क्या है। इनहेंस फिश प्रोटेक्शन, एस्टैब्लिश न्यू फिशिंग जोन, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट फिशिंग रेगुलेशंस या फिर इंप्रूव फिशरमैन्स डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंप्रूव फिशरमैन्स डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है फिशरीज डिपार्टमेंट और ओएनडीसी के बीच, उसका उद्देश्य ये है कि जो फिशरमैन का एक्सेस है मार्केट तक उसको डायरेक्ट रूप से इंप्रूव किया जाए, डायरेक्ट तौर पर बढ़ाया जाए। ओएनडीसी का फुल फॉर्म ये है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। Which Indian state had declared the Gupteswar Forest at its fourth biodiversity heritage site? किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य के कोरापुट में स्थित है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट और ये लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, ये अपने फ्लोरा और फ्यूना की जो डाइवर्सिटी है उसके लिए जाना जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड बाय पायलट प्रोजेक्ट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में कितने राज्य शामिल हैं? जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज प्लान है सहकारी क्षेत्र की, उसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 11, 9, 13 या फिर 15। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 11 राज्यों को उसमें शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य ये है कि जो गोडाउन है उसमें जो ग्रेन है उनके स्टोरेज को इंश्योर करना, फिर उसकी सप्लाई को इंश्योर करना जिससे कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। When is World Sea Grass Day celebrated annually? हर साल विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 22 मई, 1 जून या फिर 15 अप्रैल को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, 1 मार्च को। हर साल हम वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है
कि जो सी ग्रास की इंपॉर्टेंट है मैराइन इकोसिस्टम में, उसको उसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 22 मई 2022 को, ठीक है, ये इतना आप याद रखेंगे। When the World Wildlife Day is celebrated annually, हर वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 3 मार्च या फिर 5 मार्च को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हर साल हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्प्रेंड्स 2024 में इस दिन की थीम थी, 2024 में इस दिन की थीम थी फोकस ऑन डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आप याद रखेंगे। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो लोगों की कनेक्टिविटी है वो प्लैनेट के साथ कैसे बनी रहेगी, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। इन विच स्टेट वॉज द SURL सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा SURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य, झारखंड के धनबाद, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सिंदरी SURL प्लांट की स्थापना की गई। SURL का फुल फॉर्म जान लेते हैं, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स इस प्लांट को इनॉग्रेट करते हुए मोदी जी का कहना था या फिर देश का उद्देश्य ये है कि भारत जो है वो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें सेल्फ सफिशियंसी को हासिल कर ले, ठीक है, याद रखेंगे आप। द नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024 इज होस्टेड बाई, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 किसके द्वारा होस्ट किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, मदुरई, बेंगलुरु, पुणे या फिर कोलकाता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु शहर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024 को होस्ट किया गया, ठीक है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जिसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में कि भारत के किस शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, भारत का कौन सा शहर गार्डन सिटी कहलाता है। जो भी आंसर सही होगा उसको पिन करके कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप पे रखा जाएगा, ठीक है। इन विच इंडियन स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी दोनों का उद्घाटन किया? झारखंड, कर्नाटका, केरला या फिर महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, झारखंड। झारखंड राज्य में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी दोनों का उद्घाटन किया गया। वेयर वॉज द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस शहर में किया गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर मोहाली। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोहाली शहर में नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी एडवांस वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए और क्लाइमेट चेंज का कोई असर ना हो ऐसी वेराइटीज़ का भी डेवलपमेंट हम करें, कि जैसे कि क्लाइमेट एकदम से चेंज हो रही है तो भी वो वेराइटी क्या करें सर्वाइव कर जाए, जिससे कि फूड सिक्योरिटी को हम क्या करें बढ़ावा दे सकें। विच कंपनी पार्टनर्ड विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड MSME? फार्मर्स और MSME को वित्तीय सहायता देने के लिए किस कंपनी ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, arya.ag। arya.ag और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलकर लगभग 200 करोड़ रुपये वेयर हाउस पर खर्च करेंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि फार्मर्स, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन तीनों चीजों को एम्पावर करने में मदद मिलेगी। वेयर इज द पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेला कहां पर आयोजित किया जा रहा है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर सिमडेगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा। पहली बार भारत में सिमडेगा में जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इस इवेंट का पूरा उद्देश्य ये है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है वो किसानों के बीच में बढ़ाई जा सके, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए पूसा कृषि विज्ञान मेला को सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा शहर में आयोजित किया जा रहा है।
Where is the India's first integrated oil palm processing unit located? भारत की पहली एकीकृत तेल पाम प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, केरला या फिर तमिलनाडु? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली जो है ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, इतना आपको याद रखना है। विच कंट्री इज अमूल सेट टू लॉन्च इट्स फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? अमूल किस देश में पहली बार अपने ताजा दूध उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है? UAE, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको हम GCMMF कहते हैं, इसकी एक कंपनी है जिसका रिनाउंड है नाम अमूल। ये क्या करने जा रहे हैं कि ये अपने फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉन्च करने जा रहे हैं पहली बार, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आगे की वीडियोज़ में हम सब्जेक्ट वाइज MCQs लेकर आने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप हमसे कनेक्ट रहेंगे, उम्मीद करते हैं आपने आज कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।